ब्लॉगर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आ गए हैं सारासर धाम। जय हो बालाजी। हाँ जय तो बोल बोल। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुधनवान की जय। अब मैं आपको दिखाऊंगा सारासर धाम। कंप्लीट वीडियो पर बने रहिए और वीडियो छोड़कर कौन नहीं आए। और अब आपको यहाँ से मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ सालासर धाम की आगे की जर्नी। यहाँ ऐसी मान्यता है हनुमान जी महाराज की कोई भी आता है उसकी नौकरी लगती है, मन चाहे वर मिलता है और मन और मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा सुना है यहाँ जो कुछ भी मांगते हैं सारी मन्नतें पूरी होती है दोस्तों सालासर धाम में। इट इज राइट एंड ये ट्रू है। हाँ इट इज राइट यूनिवर्सल ट्रू। ठीक है ना। अब आपको ये जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब आपको मैं आगे बताता हूँ सालासर धाम। अभी हम एंट्री करने वाले हैं। अब देखो हम एंट्री कर रहे हैं, देखो एंट्री कर रहे हैं सालासर धाम में। और दोस्तों वीडियो को अच्छे से ज़्यादा सपोर्ट करना। एंट्री हो गई है हमारी दोस्तों और देखो आप एंट्री हो गई है। तो अब हम आ गए हैं मार्केट में। ये सालासर धाम का मार्केट है। थोड़ा रात्रि का टाइम है इसलिए वीडियोस अच्छे से दिखे ना तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो में सारी चीज़ें आए। देखो ये मार्केट चल रहा है, नाइट में हम दर्शन करने आए हैं। 8:30 बजे का टाइम है और रात्रि दर्शन होंगे बट अभी खुले हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में हम पूरा सालासर धाम दिखा देंगे आप। और ये देख सकते हो आप, ये अभी मार्केट में चल रहे हैं दोस्तों। और ये अपनी पूरी टीम है, चौबे जी, संजय, देवू भाई और छोटू भाई, ये जो चल रहे हैं वो अपनी टीम है। और देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी शॉप है यहाँ, कितना अच्छा मार्केट है। बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, बैट बॉल फास्ट फूड मिलते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं दर्शन करके। ये रेस्टोरेंट्स, ये सारी सुविधा है। और ये झुमके फुमके ये सारे मिलते हैं। देखो काफ़ी अच्छा मार्केट है और यहाँ स्टे भी कर सकते हो आप सभी। और बताना ये विवेकानंद चौक है। ये कौन सा चौक है? विवेकानंद। हाँ विवेकानंद चौक। यहाँ एक स्टैचू बना रखा है विवेकानंद जी का। देखो आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये विवेकानंद चौक है, स्टैचू बन रहा है ये। हाँ इधर पतासी फास्ट फूड मिलता है। और अभी हम दर्शन करने के लिए बस थोड़े टाइम में पहुँचने वाले हैं दोस्तों। और ये बाबा आया अपने, बाबा दो शब्द बोलिए सारासर धाम के लिए। जय जय राम। जितना बोले उतना कम दोस्तों। देखो मजे लीजिए वीडियो में, आपको मज़ा आ जाएगा दर्शन करके सभी भाइयों को। कितना शानदार व्यू है, ये बहुत शानदार व्यू है दोस्तों, बहुत शानदार नाइट व्यू सालासर धाम का। ये देखो लक्ष कौजी तक का प्रचार है दोस्तों। ये देखो कितने सारे यात्री आ रहे हैं दर्शन करके। ये बालाजी है। हाँ प्रवेश द्वार। ये देखो ये कितने अच्छे सब यात्री। ये बहुत सारा अच्छा सिस्टम है दोस्तों। ये अपनी टीम है, ये मंदिर है। चलो पंडित जी बोलना स्टार्ट करो इसके बारे में, सालासर धाम के बारे में दो शब्द बोलो। बड़ी महिमा है बाबा के दरबार की। हाँ और क्या है, संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हाँ बड़ी पावन धरोहर है। हाँ बिल्कुल। इधर आगे बोलिए आप, यहाँ पर आगे, इधर आगे बोलिए, इधर थोड़ा सा। हाँ इधर आगे बोलिए। हाँ दर्शन का टाइम हो रहा है दोस्तों, अभी बस 5 या 10 मिनट बचे हमारे पास दोस्तों सालासर धाम के। 5 या 10 मिनट बचे दर्शन के लिए। देखो आप आपको मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा दोस्तों। बस 4-5 मिनट होते हैं और दर्शन के लिए आप देख सकते हो।
मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी दर्शन करवाऊँगा, इससे जल्दी कुछ नहीं हो पाएगा। ये दोस्तों सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी दर्शन कर सकते हैं, बाद में दर्शन नहीं हो पाएंगे इसलिए। और दोस्तों यहाँ ब्लॉग्स नहीं बनाने देते, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए भाइयों सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। मैं आपको क्या बताऊँ, एंट्री बिल्कुल बंद हो सकती है। मैं इतनी बहुत समस्याओं को क्रिएट करके आप सभी को दर्शन करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं जहाँ जहाँ ब्लॉग्स बनाता हूँ मेरे ब्लॉग्सों को देखे और वीडियो का मज़ा ले और सोशल मीडिया से सालासर धाम के दर्शन करे। जो भाई नहीं आ पाते हैं वो दर्शन कर सकते हैं भाइयों। कितना टाइम और बचा है, इधर ही है ना यार, ये तो आप तो लग रहा है किधर है। बहुत अच्छे तरीके से देखो, कितने अच्छे तरीके से भजन हो रहे हैं सालासर धाम में। देखो ये तो है, ये दान पेटी है और ये छोटा सा मंदिर है सालासर में, इसको भी आप देख सकते हो। देख ये बहुत अच्छा व्यू है, इसको देखो आप। ये भी दर्शन करने लायक है, बहुत अच्छा वो है दर्शनीय स्थल। ये सवालने के लिए रास्ता है दोस्तों, ये भाई साहब बालाजी मेवा है, अब प्रसाद मिलता है, चूरमा महाप्रसाद, लड्डू चक्की बूंदी ये सारी चीज़ें मिलती है दोस्तों। ये जो दोस्तों आप देख रहे हो ये स्टैचू है, और ऐसे बहुत स्टैचू है, एक वो सामने दिख रहा है जो भी स्टैचू है, और ऐसे आप कम से कम 10 से 12 स्टैचू सालासर धाम में बना रखे हैं जो देखने लायक है दोस्तों। और ये जो होटल है ये भी, इसमें आप खाना खा सकते हो, फास्ट फूड खा सकते हो, ये एक दिन स्टे के लिए बहुत बेहतरीन होटल है सालासर धाम के अंदर बिल्कुल। और ये मार्केट है, इसमें प्रसाद मिलता है जो आप चढ़ा सकते हो, ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं मिलेगा आपको, जो लीगल रेट है उसमें ही मिल जाएगा दोस्तों बिल्कुल। और यात्रीगण यहाँ बहुत सारे आते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और दर्शन करते हैं सालासर धाम का। ये दोस्तों सेठ मुरलीधर मानसिंह धर्मशाला है सालासर के अंदर, इसमें आप फ्री में स्टे कर सकते हो दोस्तों, ये बेहतरीन सुविधा है इसकी। तो दर्शन कर लिए, अब चौबे जी आपको बताएंगे क्या फील कर रहे हैं दर्शन के बाद। बताओ चौबे जी कैसा फील कर रहे हो आप सालासर? श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। आज हैं हम बालाजी की धरोहर पे, बहुत ही अच्छे दर्शन मिले हैं सभी मित्रों के साथ। थोड़ा बहुत चैनल के बारे में तो बोल दो आप, और सभी दोस्तों से अनुरोध है हमारे भाई का चैनल लाइक किया करो। और सालासर के बारे में तो सब कह दो आप, सालासर महाराज हनुमान जी महाराज विराजमान है यहाँ पे, और बहुत ही पावन धरोहर है, इस तरह से मन को शांति मिलती है यहाँ। आप थोड़े समझे देंगे फिर? हाँ संजय जी कैसा फील कर रहे हो आप सालासर धाम आ गए? भगवान सदा यही कृपा बनाए रखें, हमें बार बार बुलाएं।
चैनल के लिए। और दोस्तों संपूर्ण दर्शन कर लिए हैं और अब उसके बाद हम पतासी खाने आ गए हैं। ये अपने देवू भाई फर्स्ट में फर्स्ट पतासी यही खा रहे हैं, ठीक है। ये अपनी पूरी टीम है, पतासी देखो किस तरीका से खा रही है। भैया इनके लिए हरी चटनी जरूर देना, अरे मीठी और मीठी भी दे देना। ये देखो नंबर कट कर दिया है, इसको कोई पतासी नहीं दी जाएगी क्योंकि इनमें क्या फैट ज्यादा हो गई है। और इसका कुछ चैनल है उसको सभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत शानदार पतासे बनाते हैं भाई। किस नाम से है? कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक पानीपुरी वाला। बहुत शानदार पानी छोटू है ना? हाँ छोटू है, जो भी करके उनकी अच्छी बनाता है दोस्तों।